या तो नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं या वो लाचार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है उससे स्पष्ट है कि 2013 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ सरकार बचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस मुख्यमंत्री की बात मंत्री ना सुने। आपने पटना में ही देखा कि KCR ने नीतीश कुमार उठ बैठ करा रहा था, यानी अपोजिशन में कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अभी यही तय नहीं हुआ है, इसीलिए KCR इनको नहीं बुलाया क्योंकि वो भी एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। अब सम्राट BJP में बड़े फेरबदल की भी तैयारी चल रही है, जो खबरें आ रही हैं। नोटिस दे दिया है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, उससे फर्क क्या पड़ता है? जिस तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है उससे स्पष्ट है कि 2013 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ सरकार बचाने का काम कर रहे हैं। अब वो सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं। और वे तो स्वयं ही बहुत चीजों को याद ही नहीं रहता उनको, वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं। आप लोग सोच लीजिए, आपके बाद पहले आप बोलिए ना। देखिए, बिहार की सरकार एक तरह से सत्ता की सरकार है, ये आपसी मेलजोल या तो नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा जो डिप्टी CM कह रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे, छोड़िए इस सब बात को। और नीतीश कुमार कह रहे हैं गलत, JDU के लोग कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि देश का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जो सत्ता के लिए गठबंधन करके अब चल रहे हैं और देश में क्या NDA, यहाँ NDA की सरकार नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई चाहे RJD हो चाहे JDU हो, भारत के सनातन धर्म को अपमानित करने का कोशिश करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नीतीश को मैं तो मानता हूँ, या तो नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं या वो लाचार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो उनको हटा देना चाहिए, अगर इतना हिम्मत नहीं है तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार के सह पर हो रहा है या नीतीश कुमार लाचार है, तब इसका मतलब नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं, सत्ता के लिए हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस मुख्यमंत्री की बात मंत्री ना सुने। लेकिन दादा आप तो राजद कह रही है कि सेना पे भारतीय जनता पार्टी हमला करवाती है चुनाव जीतने के लिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा हो सकता है, सेना को अपमानित कर सकते हैं, सेना को गाली दे सकते हैं। भारत का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा नहीं करता। KCR ने जो बैठक बुलाई, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी,
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग ई होम्स पैनोरामा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।